हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गल्फ जब की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं बहुत सारी गल्फ कंट्री की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि कोई वैकेंसी मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बात करें आज की सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। तो यह यूरोप सर्बिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। बेक्टेल कंपनी है, इसको चाहिए पाइप फिटर 3 लोग, स्टील फिक्सर 5 लोग, स्टील फिक्सर 4 जन 5 लोग, शटरिंग कारपेंटर 15 लोग, शटरिंग कारपेंटर 4 जन 5 लोग। यह फ्री रिक्वायरमेंट है। इसका वर्क इन क्लाइंट इंटरव्यू 19 जून को होने वाला है। अगर आपके पास 3 ईयर का ओवरसीज एक्सपीरियंस और 8 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड CV दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दें। अगर आप मुंबई में लोकली अवेलेबल हैं तो सिंक्लस ऑफिस से संपर्क करके भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ऑफिस के बारे में तो यह बहुत ही अच्छे ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में तो कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। LPG गैस प्लांट है, इसको चाहिए पिकअप ऑपरेटर, LPG रोड टैंकर अटेंडेंट, प्रोडक्शन सीनियर फिलर्स, यूटिलिटी सीनियर फिलर्स। अगर आपको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दिए और जानकारी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऑयल एंड गैस कंट्रैक्टिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा। इसको चाहिए पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग या पाइपलाइन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, PQ स्पेशलिस्ट, प्री कमीशनिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट कंट्रोल लीड, प्रोजेक्ट इंजीनियर, QC इक्विपमेंट इंस्पेक्टर, QC इंस्पेक्टर इक्विपमेंट या मैकेनिकल, QC इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, QC इंस्पेक्टर वाल्व्स टेस्टिंग एंड पाइपिंग, QC पाइपिंग इंस्पेक्टर आपको CBT होना चाहिए, QC सुपरवाइजर सिविल, QC वेल्डिंग इंस्पेक्टर, ओरकल स्पेशलिस्ट, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, पाइपिंग फोरमैन, RTFI सैंडब्लास्टर, शॉप मैनेजर, सीनियर इंजीनियर BD, स्टील फिक्सर, टेलीकॉम इंजीनियर, टेलीकॉम फोरमैन, टेलीकॉम सुपरवाइजर, टेलीकॉम टेक्नीशियन, टाइम कीपर, वेयरहाउस सेक्शन हेड, वर्क परमिट रिसीवर। अगर आपको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपडेटेड CV, पासपोर्ट कॉपी, कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी, मुंबई, चेन्नई, कोचि, त्रिची में है तो इन सभी का ईमेल आईडी दिया गया है। वीडियो को पॉज करके ईमेल आईडी ले ले, अपना CV एंड डॉक्यूमेंट सेंड करके अप्लाई कर दे और जो जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू की बात करें तो इसका क्लाइंट इंटरव्यू जुलाई के फर्स्ट वीक में मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा, कोचिन में होने वाला है ITL ऑफिस में। तो ITL ऑफिस से संपर्क करके और भी जानकारी ले ले। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। वन ऑफ द लीडिंग कंट्रैक्टिंग कंपनी है, इसको चाहिए प्लानिंग इंजीनियर, एस्टिमेटर मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, HSE सुपरवाइजर या स्पेशलिस्ट, सेफ्टी ऑफिसर, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक, QC इंस्पेक्टर वेल्डिंग एंड पेंटिंग। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपडेटेड CV, पासपोर्ट कॉपी, कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दे। वीडियो को पॉज करके ईमेल आईडी ले ले और सेंड करके जल्द से जल्द अप्लाई कर दे और जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऑयल एंड गैस कंट्रैक्टिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा। जो वैकेंसी बात की जाए इसका क्लाइंट इंटरव्यू जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा, कोचिन में। इन सभी जगहों के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन डिग्री, डिप्लोमा, ITI है और 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बात करें वैकेंसी के बारे में तो इसको चाहिए कैथोटिक प्रोटेक्शन इंजीनियर, सिविल फोरमैन, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर, कम्युनिकेशन फोरमैन, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, कोस्ट कंट्रोल इंजीनियर, E&I फोरमैन, E&I सुपरवाइजर, E&I टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन,
इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इक्विपमेंट स्किल इंजीनियर, एचसी ट्रेनर, हाइड्रो टेस्ट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इंटरफेस मैनेजर, आईटी एडमिन, मटेरियल कंट्रोलर, मैकेनिकल फोरमैन, एनडीटी कोऑर्डिनेटर, बायर, केबल ट्रे फिटर, केयर डिजाइनर, मल्टी स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। अगर आपको सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी, कंप्लीट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दी। और भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि एओसी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए मैकेनिकल टेक्नीशियन, प्लानिंग सैलरी रहेगा 250 KD, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन प्लानिंग सैलरी रहेगा 270 KD, टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन सैलरी रहेगा 150 KD, मैकेनिकल फिटर सैलरी रहेगा 130 KD, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सैलरी रहेगा 270 KD, इंस्ट्रूमेंट फिटर सैलरी रहेगा 140 KD, ऑटो इलेक्ट्रिशियन सैलरी रहेगा 140 KD, लेथ मशीनिस्ट प्लानिंग वर्कशॉप सैलरी रहेगा 175 KD, मैकेनिक रोटेटिंग मशीनरी सैलरी रहेगा 250 KD, इलेक्ट्रीशियन सैलरी रहेगा 150 KD, अकाउंटेंट सैलरी रहेगा 300 KD, टेक्निकल असिस्टेंट सैलरी रहेगा 230 KD, साइट स्टोर टेक्निकल असिस्टेंट सैलरी रहेगा 150 KD, वेल्डर सैलरी रहेगा 180 KD, वेल्डर एसएस एंड आर्गन सैलरी रहेगा 200 KD, ड्राफ्टमैन सैलरी रहेगा 200 KD, फैब्रिकेटर सैलरी रहेगा 160 KD, ग्रीस्ड ब्लास्टर सैलरी रहेगा 140 KD, स्प्रे पेंटर सैलरी रहेगा 130 KD, इसका फोल्डिंग रिगर सैलरी रहेगा 130 KD, इलेक्ट्रिकल मेट सैलरी रहेगा 120 KD। अगर आप पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी mumbai@falconservices.in पे सेंड करके अप्लाई कर दे, या chennai@falconservices.in पे सेंड करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है कि ओ सी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रहेगा, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा। इसको चाहिए इंजीनियर मल्टी डिसिप्लिन सैलरी रहेगा 730 KD, सीनियर रिलेबिलिटी टेक्नीशियन सैलरी रहेगा 400 KD, सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन ईबीएम सैलरी रहेगा 310 KD, सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ईबीएम सैलरी रहेगा 310 KD, सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ईबीएम सैलरी रहेगा 310 KD, सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंट ईबीएम सैलरी रहेगा 400 KD, सुपरवाइजर मैकेनिकल वाइब्रेशन एनालिस्ट सैलरी रहेगा 500 KD, सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन वाइब्रेशन सैलरी रहेगा 350 KD, सीनियर मॉनिटरिंग टेक्नीशियन डेटा ट्रेनिंग सैलरी रहेगा 350 KD, मैकेनिकल टेक्नीशियन वाइब्रेशन हैवी इक्विपमेंट सैलरी रहेगा 275 KD, मॉनिटरिंग टेक्नीशियन डेटा ट्रेनिंग टूट सैलरी रहेगा 275 KD। अगर आप सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी mumbai@falconservices.in या chennai@falconservices.in पे सेंड करके अप्लाई कर दिए। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो ये डायरेक्ट कंपनी तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई है दुबई के लिए। जो लोग दुबई में लोकली अवेलेबल हैं वही लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसको चाहिए फीमेल मल्टी टेक्नीशियन, एमएपी टेक्नीशियन, एचवीसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, पेंटर्स, मेसन्स, रोप एक्सेस क्लीनर्स। अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में गल्फ कंट्री में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा बैचलर डिग्री है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए सीवी, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वन वाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वीज़ा या वीज़ा कैंसिलेशन कॉपी, वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी है तो दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे। इसका वर्किंग इंटरव्यू दिए गए एड्रेस पर होने वाला है 17 जून को 10 AM से स्टार्ट होगा, 3 बजे तक चलने वाला है। तो जल्द जल्द अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन। अगर आपके पास सेम फिल्म एक्सपीरियंस है 5 ईयर का तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना सीवी दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दो। जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, स्पॉन्ज फैक्ट्री है, इसको चाहिए फैक्ट्री हेल्पर। अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है हेल्पर में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूम में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे, और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ।
दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में तो अबू धाबी यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। लीडिंग ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए वर्किंग फोरमैन पेंटिंग स्कैफोल्डिंग फोरमैन ड्राइवर लाइट व्हीकल प्लस हैवी बस प्लस हैवी ट्रक। अगर आपके पास सैंपलिंग एक्सपीरियंस है गल्फ कंट्री में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोडाटा पासपोर्ट लेकर मुंबई में लोग के लिए अवेलेबल हैं, तो एशिया पार्क के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दो। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो बैंक के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, सडन प्रोजेक्ट रहेगा, 2 मंथ का फ्री रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। इसको चाहिए फायर वॉचर परमिट होल्डर एचएससी ऑफिसर। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है सेंट्रल में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोडाटा पासपोर्ट लेकर मुंबई चेन्नई बड़ौदा में लोग के लिए अवेलेबल हैं, तो एशिया पार्क के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे जिसका एड्रेस दिया गया है। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरह। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो मान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, फ्री रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। धुकम रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल मेंटेनेंस कंपनी है। इसको चाहिए एसएचएस ऑपरेशन सुपरवाइजर, सैलरी रहेगा $1700। CCS CHS ऑपरेशन सुपरवाइजर, सैलरी रहेगा $1700। कोक कटिंग ऑपरेटर, सैलरी रहेगा $1250। कंट्रोल रूम ऑपरेटर, सैलरी रहेगा $1250। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर DCU सर्फर, सैलरी रहेगा $1700। मैकेनिकल सुपरवाइजर सर्फर, सैलरी रहेगा $1700। अगर आपके पास 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और 2 ईयर का गल्फ का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोडाटा पासपोर्ट लेकर मुंबई में लोग के लिए अवेलेबल हैं, तो इसी अपर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दिए। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, फ्री रिक्वायरमेंट है, सडन प्रोजेक्ट रहेगा, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, लीडिंग कंट्रैक्टिंग कंपनी है। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू 18 जून को मुंबई में होने वाला है, दिया गया एड्रेस होटल हाईवे व्यू में, तो दिया गया एड्रेस पर विजिट करके इसका इंटरव्यू अटेंड कर ले 18 जून को। और बात करें इसका वैकेंसी के बारे में तो इसको चाहिए मैकेनिकल सुपरवाइजर, पेंटिंग सुपरवाइजर, रिगिंग फोरमैन, पाइप फिटर फैब्रिकेटर, रिगर वेल्डर डुप्लेक्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर वॉचर या स्टैंड बाई अटेंडेंट, एयरलेस स्प्रे पेंटर या ब्लास्टर, हैवी ड्राइवर, QQC इंस्पेक्टर। अगर आपके पास 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडिया का सेम फील्ड में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोडाटा पासपोर्ट लेकर मुंबई में लोकली अवेलेबल है, तो सबसे पहले एशिया पार्क के ऑफिस में विजिट करके इसका शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू अटेंड कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, स्पंज फैक्ट्री है। इसको चाहिए सोफा मेकर, ट्रेलर। अगर आपके पास 3 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दी और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना वैकेंसी, फिर मिलेंगे अगला वैकेंसी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बता दें। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली हम इस तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।